सो गाइज आई हैव जस्ट रिसीव दिस पेंसिल्स फ्रॉम टोम्बो हॉबी क्राफ्ट से मैंने मंगवाई थी. तो वेलकम बैक टू द चैनल. आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे. तो काफ़ी दिनों के बाद मैं कोई व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी था, कमीशन वर्क कर रहा था और भी वीडियो नहीं बना पा रहा था. मैं आर्ट वाले चैनल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा शोर वगैरह हुआ है इसीलिए. तो ये मैंने पेंसिल्स मंगवाई हैं हॉबी क्राफ्ट से. तो इसमें हैं सारी 6B, जैसे कि मैंने आपको दिखाया इसमें 12 पेंसिल्स हैं और 6B ग्रेड की हैं टोम्बो मोनो की, जो कि डार्क ग्रेड की मेरी ख़त्म हो गई थी इसलिए मैंने ये मंगवाई है. और एक मैंने मैकेनिकल पेंसिल मंगवाई है जो कि टोम्बो की है मोनोग्राफ ये वाली. टोटल अराउंड 1100 रुपये का सामान है ये. ये जो मैकेनिकल पेंसिल है ये है 240 रुपीज़ की. एंड गाइज ये पेंसिल्स मेरे पास परसों आ गई थी, परसों ही मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी. मैं वीडियो बनाने का प्लान था बट मैं नहीं बना पाया, तो इसलिए मैं आपको आज ही दिखा दी इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो किस तरह से आई थी. तो ये जो 6B ग्रेड की पेंसिल है ये डार्क, ये तो काफ़ी बढ़िया है. डार्क मैंने इनको यूज़ किया, कमीशन वर्क्स में भी यूज़ किया और जो वीडियो बनाई थी उसमें भी यूज़ किया. बट जो मैकेनिकल पेंसिल है ये मुझे उतनी सही नहीं लगी शेडिंग करने के लिए. तो मेरे को 0.5 की मैंने मंगाई, 0.5 की मुझे चाहिए थी. तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव है सकूरा से, 240 रुपीज़ की एक पेंसिल है ये. बट ये थोड़ी हैवी है और इसकी ग्रिप थोड़ी मोटी है, आगे से पेंसिल भी मोटी है तो शेडिंग करने में वैसे फील नहीं आ रहा जैसे सकूरा में आता है. सकूरा में काफ़ी लाइट वेट है तो अच्छे से मैं पीछे से करके शेडिंग वगैरह कर पा रहा था, बट इससे नहीं हो पा रही है. मैंने ट्राई किया, मैंने काफ़ी इससे ड्रॉ करने का ट्राई किया, वैसा नहीं हो पा रहा जैसे उससे हो पाता है. तो मैं अभी कल जा रहा हूँ दिल्ली, तो मैं ये वापस कर दूंगा उनको और मैं सकूरा की ले आऊँगा. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पेंसिल ख़राब है क्योंकि टोम्बो की ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा ब्रांड है. मेरे को आदत पड़ चुकी है सकूरा यूज़ करने की और वैसे मैंने ये मंगवाई इसीलिए थी क्योंकि मेरे को कुछ नया ट्राई करना था, बट ये हाथ में मेरे अच्छे से ला ही नहीं पा रही, काफ़ी ज़्यादा मोटी है और शेडिंग वगैरह नहीं हो पा रही क्योंकि मैं शेडिंग करता हूँ मैकेनिकल पेंसिल से. काफ़ी लोग जो नहीं करते वो सिंपल पेंसिल से करते हैं, बट मैं तो शेडिंग करता हूँ ना, इसीलिए मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई. मैं सकूरा की ले लूँगा. मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा अगर आप सोच रहे हैं कोई मैकेनिकल पेंसिल बाय करने की जो कि बेस्ट हो, मेरे ख्याल से तो सकूरा की ही है जो कि 160 रुपीज़ की, 165 रुपीज़ की एक मिल जाती है. तो आप वो बाय कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है. ये तो आई थिंक टूट भी जाएगी अगर गिर जाएगी क्योंकि हैवी है और जो इसका ये है और तो ये आई थिंक टूट भी सकती है, गिर जाएगी, बट सकूरा की टूटती भी नहीं है. काफ़ी बार मैं उसे बहुत बार गिर रखी है. पर इस पेंसिल में नए फीचर में जो कि मुझे पहली बार पता चले, अगर आप इसको इस तरह से करते हो तो जिसकी लीड है वो अपने आप बाहर आ जाएगी, आपको पीछे से करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस तरह से करना है. इसके अंदर पता नहीं कुछ है ये जो कि अपने आप लीड को बाहर की तरफ करता है अगर आप इस तरह से करते हो तो. आपको आवाज़ आ रही होगी, तो ये इस तरह से होता है. और इसमें इरेज़र भी है जो कि इस तरह से घूम के, काफ़ी बड़ा इरेज़र है, तो काफ़ी बड़ा इसमें इरेज़र है जो इस तरह से घुमा के बाहर निकाल सकते हो आप. और इस तरह से दूसरी साइड घुमाओगे तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा. और ये कुछ इस तरह का है. ये मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सही नहीं लगी, अगर गिर रहे तो टूट सकता है ये क्योंकि मेरे से पेंसिल्स बहुत ज़्यादा गिरती हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा गिरती हैं. मैं मैकेनिकल पेंसिल सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्विक स्केचिंग करनी हो, शेडिंग वगैरह करनी हो तो मेरे से बहुत बार गिरती है. तो सकूरा की मुझे अच्छी लगी बिल्ड क्वालिटी, टूटती भी नहीं है. मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ तो आई थिंक ये टूट भी जाएगी क्योंकि ये प्लास्टिक है और हल्का ही लग रहा है मुझे ये. तो वैसे मेरे को तो लाइट मैकेनिकल पेंसिल ही अच्छी लगती है. लाइट हो तो उसमें शेडिंग भी काफ़ी अच्छे से हो पाते हैं, अच्छे से कहीं से भी उसको पकड़ के अच्छे से आप शेडिंग कर पाते हैं. बट ये थोड़ी हैवी है तो अच्छे से नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं इसको वापस करूँगा और दूसरी सकूरा की ले लूँगा 0.5 की. और 0.3 की भी मुझे लेनी है. एंड गाइज काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि मैं अब कंसिस्टेंट नहीं हूँ अपने वर्क में, वीडियोज़ में, अब मतलब मैं ज़्यादा ड्राइंग नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ. तो ऐसा नहीं है और व्लॉग्स भी ज़्यादा नहीं आ रहे. तो व्लॉग्स तो पहले भी इतने ज़्यादा नहीं आते थे जब मैं यहाँ होता था क्योंकि मैं अपने काम पर फोकस करता हूँ, बट ऐसा नहीं है गाइज, मैं काम पर और ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ. मेरे पास कमीशन वर्क बहुत ज़्यादा आ रखे थे तो मैं उनको करने में बिज़ी था और गर्मी बहुत हो रही है तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ इस तरह से बोल के, और बाहर बहुत ज़्यादा शोर होता है तो मैं अच्छे से ही वीडियो बनाना चाहता हूँ. मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टॉपिक पड़े हैं, मैंने 20-30 टॉपिक लिख रखे हैं डायरी में वीडियो बनाने के लिए, आर्ट के लिए, बट मैं अच्छे से बनाना चाहता हूँ इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ जल्दी जल्दी. सो हाँ गाइस, धीरे धीरे करके अच्छे से मैं एक एक टॉपिक पर बिल्कुल ध्यान ना काटते हुए, पहले तो मैं कुछ भी जल्दी ही बना देता था जल्दी जल्दी वीडियोज़ अपलोड करने के चक्कर में, बट अब मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ क्योंकि क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है और अच्छे से वीडियो बनाना, एडिटिंग करना और किस तरह से मुझे उसको डायरेक्शन देना आपको अच्छे समझ में आए, तो हर चीज़ पे मैं ध्यान देता हूँ अब, इसीलिए मैं जल्दीबाजी में कोई भी वीडियो नहीं बनाने वाला. सो गाइस जो मेरे अभी लेटेस्ट वर्क हैं जो कि मैंने आजकल में ड्रॉ किए हैं वो सब ये रखे हैं जो कि मैं अभी आपको एक एक करके दिखा देता हूँ. तो लेट्स सी. सो गाइस एक तो ये बनाई थी मैंने जिसका मैंने ट्यूटोरियल भी अपलोड किया था, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ग्रेफाइट का यूज़ करके. तो ये रफ पेपर यूज़ किया था मैंने, काफ़ी ज़्यादा रफ, तो आपने देखा होगा वीडियो में. एक ड्राइंग ये थी जो कि इससे पहले बनाई थी, इसके भी 2 ट्यूटोरियल मैंने अपलोड किए थे, 2 वीडियो स्टेप बाय स्टेप.
और ये कमीशन वर्क है जिसकी मैंने वीडियो भेजी थी उनको, तो इसकी वीडियो चाहिए थी उनको, तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ किया था और ये मुझे दोबारा ड्रॉ करना पड़ा था। और ये भी कमीशन वर्क है, इसकी भी वीडियो भेजनी थी, सेम क्लाइंट ने दिया था और ये मुझे दोबारा बनाना पड़ा। इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। जो डॉग वाली ड्राइंग है ये मुझे दो बार बनानी पड़ी। इसका सीन ये था कि क्लाइंट को चाहिए थी वीडियो, तो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की कंप्लीट, और जब मैंने इसकी फ़ाइल देखी, जो लास्ट की फाइल है वो थी नहीं, पता नहीं, मैंने रिकॉर्ड तो की थी बट वो फोन में मेरी आई नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। बट क्लाइंट को तो पूरी वीडियो चाहिए कंप्लीट, उनको टाइमलेस वीडियो चाहिए होती है 6-7 मिनट की, तो वो लास्ट का नहीं है, तो मुझे शुरू से लेकर दोबारा बनानी पड़ी। और फिर और वो कैट वाली ड्राइंग है वो भी, उसमें भी सेम ही प्रॉब्लम हुआ। उसमें तो स्टार्टिंग की फाइल चली गई थी, तो स्टार्टिंग से जितनी फाइल उसकी चली गई थी उतना मैंने दोबारा बनाया, फिर उसको अटैच करके एडिट करके फिर भेज दिया। और जो कैट वाली और डॉग वाली ड्राइंग है ये दोनों एक ही क्लाइंट ने मुझे दी थी, इन दोनों की वीडियो देनी थी और वीडियो में दोनों में प्रॉब्लम आई, पता नहीं क्यों। पता नहीं कई बार मेरे साथ हो जाता है कि मतलब वीडियो में रिकॉर्ड तो करता हूँ वो फाइल बनती नहीं है, तो आपके साथ भी होता हुआ तो कमेंट करके बताना कभी हुआ है तो आपके साथ। और एक और कमीशन वर्क जो कि मैंने कंप्लीट किया है वो ये है, इसको मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे भी डाला था, तो ये देखो कुछ इस तरह का है। ये A3 साइज़ का है, इसमें मैंने आर्टो के 180 GSM पेपर का यूज़ किया था, यही वाला जो कि हॉबी क्राफ्ट इंडिया ने दिया था मुझे, तो ये पेपर भी काफ़ी बढ़िया है अगर आप यूज़ करना चाहें। और एक और वर्क किया था मैंने ये वाला, तो इसकी मैंने वीडियो अपलोड की थी। सो ये है गाइज मेरे अभी के कुछ लेटेस्ट वर्क्स। मेरा फेवरेट तो ये वाला है जो कि आपको ही पसंद आया था। बाकी कुछ कमीशन वर्क हैं। सो गाइस फिलहाल अभी का तो सीन यही है, यही मैंने कुछ लेटेस्ट वर्क्स किए हैं, और फिलहाल दो कमीशन वर्क्स और करने जो कि भी पेंडिंग में पड़े हैं, जो कि मैं कल जा रहा हूँ दिल्ली, तो हॉबी क्राफ्ट इंडिया जा रहा हूँ, तो मैं अब की बार ट्राई करूँगा वहाँ की वीडियो रिकॉर्ड करने की, क्योंकि मैंने उनसे परमिशन ले लिया, उन्होंने कहा था हाँ कर सकते हो। काफ़ी लोग बोल रहे थे वहाँ की वीडियो क्यों नहीं बनाते हो आप, तो मैं अब की बार कल जा रहा हूँ तो डेफिनेटली आपको वहाँ की वीडियो देखने को मिलेगी, तो ये काफ़ी एक्साइटिंग वीडियो है, मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और भी मुझे काफ़ी चीज़ें ड्राइंग मटेरियल्स लेने हैं, वो भी मैं बाय करूँगा। तो गाइस कल मैं आऊँगा दिल्ली मंडे को, तो आप मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, क्या पता मैं मीटअप भी रख लूँ, तो इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट कर दूँगा अगर कोई भी डेली से, तो आप इस वीडियो को कमेंट भी कर सकते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मैं वहाँ पे आपको अपडेट दूँगा अगर आपको मीटअप करना होगा कहीं CP वगैरह में, तो अगर मुझे टाइम मिलेगा शाम के टाइम पे, क्योंकि काम जो भी है मेरा वो मैं दिन में ख़त्म कर लूँगा, तो शाम के टाइम पे मीटअप कर लेंगे। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैंने आपको अपडेट दे दिया मैं आजकल ड्रॉ क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किस लिए ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड नहीं हो पा रही हैं, मैंने बता दिया आपको। थोड़ा बहुत शोर हो रहा है, ज़्यादा मैं कमीशन वर्क कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ, थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ वीडियोज़ अपलोड करने की एवरी अल्टरनेट डे, या फिर 2 दिन छोड़ के 1 दिन छोड़ के मैं ट्राई कर रहा हूँ। और मैं ड्राइंग भी थोड़ी डिटेल बना रहा हूँ, थोड़े सीख रहा हूँ नई नई चीज़ें, क्योंकि पहले की तरह तो नहीं हो सकता है ना, पहले तो मैं जल्दी जल्दी बना लेता था, कुछ भी बना लेता था, अब तो आपके भी डिपेंड होती है कि अच्छे से बनाओ, मेरी गलतियाँ निकालते हो, तो मुझे अच्छे से बनानी पड़ती है, अच्छे से क्वालिटी भी टाइम दे रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो लेट होती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक बस देखते रहो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।